मोतिहारी मोतिहारी प्रतिनिधि जीवधारा मोतिहारी रेलखंड दोहरीकरण कार्य पूरा हो जाने के बाद इनाई वक्त को लेकर मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है, जिसके चलते इस रेलखंड से गुजरने वाली कुछ पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी। वहीं कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनें पुनर्निर्धारित कर चलाई जाएगी। जीवधारा मोतिहारी रेलखंड पर 14 एवं 15 जनवरी को बीफो प्री एनआई, 16 व 17 जनवरी को प्री एनआई, 18 व 19 जनवरी को एनआई तथा 20 से 23 जनवरी तक पोस्ट एनआई का काम होना है। इसी दौरान 19 जनवरी को जीवधारा मोतिहारी 9 किलोमीटर डबली कार्य का सीआरएस निरीक्षण व ट्रायल किया जाएगा। परिवर्तित मार्ग से चलाई जाने वाली ट्रेनें ट्रेन संख्या 12211 मुजफ्फरपुर आनंद विहार 19 जनवरी को, 12212 आनंद विहार मुजफ्फरपुर 17 जनवरी को, 12557 मुजफ्फरपुर आनंद विहार 19 जनवरी को, 12558 आनंद विहार मुजफ्फरपुर 17 से 19 जनवरी तक, 15051 कोलकाता गोरखपुर 19 जनवरी को, 15052 गोरखपुर कोलकाता 18 जनवरी को, 15212 अमृतसर दरभंगा 17 एवं 18 जनवरी को, 15530 आनंद विहार सहरसा 18 जनवरी को, 15653 गुवाहाटी जम्मूतवी 17 जनवरी को, 15705 कटिहार दिल्ली 18 जनवरी को, 19037 बांद्रा बरौनी 17 जनवरी को तथा 19038 बरौनी बांद्रा एक्सप्रेस 18 एवं 19 जनवरी को परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रक्सौल सुगौली के रास्ते चलाई जाएगी। वही ट्रेन संख्या 13021/13022 हावड़ा रक्सौल हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस 18 एवं 19 जनवरी को सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते तथा ट्रेन संख्या 15211 दरभंगा अमृतसर जननायक एक्सप्रेस सीतामढ़ी रक्सौल सिकटा नरकटियागंज के रास्ते चलाई जाएगी।